हेलो व्यूअर्स, क्रिकेट फैक्शन में मैं हूं आमिर जफर। अबू धाबी टी10 लीग का पांचवा सीजन जो कि 19 नवंबर से शुरू होगा, उसके लिए बंगला टाइगर्स ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। स्क्वाड में सबसे पहले शामिल हैं साउथ अफ्रीका के स्टार राइट हैंडेड बैट्समैन फैफ्लेसी, जो कि इस स्क्वाड के आइकन खिलाड़ी भी होंगे। इसके बाद बंगला टाइगर्स के स्क्वाड का हिस्सा हैं पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी। इसके बाद स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को। इसके बाद स्क्वाड में शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग ऑलराउंडर जेम्स फॉल्कनर। इसके बाद शामिल किया गया है इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले बॉलिंग ऑलराउंडर बेनी हॉवल को। फिर स्क्वाड में शामिल हैं वेस्ट इंडीज से ताल्लुक रखने वाले राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन जॉनसन चार्ल्स। इसके बाद स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हजरतुल्ला जजई को। फिर शामिल हैं इंग्लैंड अंडर 19 की नुमाइंदगी करने वाले राइट हैंडेड बैट्समैन विलियम जैक्स। फिर बंगला टाइगर्स के स्क्वाड का हिस्सा है वेस्टइंडीज के एक्सप्लोसिव राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन आंद्रे फ्लेचर। इसके बाद स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लेग स्पिनर कैस अहमद को। इसके बाद स्क्वाड में शामिल हैं श्रीलंका के बॉलिंग ऑलराउंडर एसिरु उदाना। इसके बाद शामिल हैं यूएई से ताल्लुक रखने वाले राइट हैंडेड बैट्समैन हसन खालिद। इसके बाद स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले राइट आर्म फास्ट बॉलर मथीसा पथिराना को। इसके बाद स्क्वाड में शामिल किया गया है इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले राइट हैंडेड बैट्समैन विल स्मिथ को। फिर शामिल किया गया है इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एडम लिथ को। सबसे आखिर में स्क्वाड में शामिल हैं बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले बॉलिंग ऑलराउंडर मोहम्मद सैफुद्दीन।